जंगलों में लग रही आग पर काबू पाने के लिए खंड विकास कार्यालय बैजनाथ के सभागार में एसडीएम बैजनाथ विकास शुक्ला की अध्यक्षता में वन विभाग, अग्निशमन विभाग, पंचायत सचिव, पंचायत प्रधानों व प्रतिनिधियों के अलावा महिला मंडल तथा युवक मंडलों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वनों में लगने वाली आग पर काबू पाने के लिए विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई और कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए गए। एसडीएम विकास शुक्ला ने कहा कि ग्राउंड लेवल पर ही आग को बुझाने के कार्य करने होंगे, नहीं तो ये ग्राउंड की आग क्राउन की आग बनने में देर नहीं लेगी। उन्होंने कहा कि ये ग्राउंड की आग को खत्म करने के लिए हमें जगह जगह उगी हुई झाड़ियों को खत्म करना होगा। ये झाड़ियां ना तो किसी पशु के चारे में काम आती हैं और ना ही किसी अन्य कार्य में प्रयोग आती हैं, उल्टा ये झाड़ियां भूमि में मौजूद पानी को चाट रही हैं। अगर इनको खत्म कर दिया जाएगा तो ये पानी हमारी फसलों और वनस्पति के काम आएगा तथा वनों में आग लगने की संभावनाएं भी कम होंगी। उन्होंने सभी पंचायत प्रतिनिधियों के प्रधानों तथा म्युनिसिपल कमेटी को निर्देश दिए कि 3 जून को एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाए, जिसमें वनों में हो रही आगजनी पर काबू पाने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर लोगों के साथ चर्चा कर समितियां और कार्य समितियों को बनाकर आगजनी रोकने की योजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में फायर वॉचर को भी इस बैठक में बुलाया जाए, उसके पश्चात अपनी रिपोर्ट पंचायत प्रधान व सचिव उन्हें सौंपे। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को बड़ी मात्रा में आग जलाने हेतु अग्निशमन अधिकारी से परमिशन मांगता है तो इसकी पूरी जांच पड़ताल के बाद ही उसे परमिशन दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति बिना परमिशन के आग जलाता है तो उसकी जमाबंदी में एक नोट लगाया जाएगा, इसमें 2 साल की सजा तथा 2,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान भी है। एसडीएम बैजनाथ विकास शुक्ला ने कहा कि जिन जगहों में आगजनी हो चुकी है उनमें पेड़ों की भरपाई के लिए 9 से 13 अगस्त को उपमंडल के सभी पंचायतों में सर्वसम्मति से एक दिन में वन विभाग के सहयोग से 1,00,000 पौधे लगाए जाएंगे। जंगलों में लगने वाली आग के बारे में विचार विमर्श किया, जिसमें हमने सभी स्टेक होल्डर जैसे पंचायतें, सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स और सभी प्रकार की युवक मंडल, महिला मंडल, उन सबको, क्योंकि वो सब स्टेक होल्डर्स हैं, उनको सम्मिलित करके इस मुहिम में चलाने का निर्णय लिया, जिसमें हमने सबसे पहले एक नोटिफिकेशन प्रोमुलगेट की है, जिसके हिसाब से हमने ओपन एयर में फायर जो लगाना है, ओपन खुले में फायर लगाना, उसको बैन किया है और रेगुलेशंस निर्धारित की हैं कि किस किस कंडीशन में लगाई जा सकती हैं और कैसे परमिट मिलेगा व्यक्ति को, और ये सभी ठेकेदारों और डेवलपमेंटल वर्क्स पे निर्धारित होगी। दूसरा, हमने कम्युनिटी को आग्रह किया है कि कम्युनिटी आगे आएगी और आगे आकर काम करेगी। इसके लिए 3 तारीख को ग्राम सभा, स्पेशल ग्राम सभा को और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक स्पेशल मीटिंग कन्वीन करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें 10-12 हमने पॉइंट्स बताए हैं जो ग्राम सभा डिस्कस करेगी, और उसके बाद वो समितियाँ, कार्य समितियाँ वगैरह बनाकर उसमें हमने आपातकालीन से निपटने के जो प्लान हैं वो बनाकर हमको रिपोर्ट करेगी, और जो उसके बाद कमियां होंगी उसको हम देखेंगे उसके निष्पादन के लिए, और हम फॉरेस्ट फायर को किसी भी तरह से रोकने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। और हमने सर्वसम्मति से निर्णय लिया सभी पंचायतों के प्रतिनिधियों के बीच में कि बैजनाथ सब डिवीजन में 9 या 13 अगस्त के बीच में किसी भी एक दिन पर पूरे सब डिवीजन में 1 दिन में 1,00,000 पौधे लगाए जाएंगे उन जगहों पे जहाँ पे फॉरेस्ट फायर हुई थी, ताकि उनको वनाच्छादित किया जा सके और उन्हें ढका जा सके।